एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान नसैफी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, अब हम बढ़ रहे हैं रोज़ा इफ्तार के वक्त की तरफ, और आप जैसे जानते हैं कि ये घड़ियाँ बहुत ही अहम घड़ियाँ होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कबूलियत का वक्त होता है, जो दुआ है वो आप अपने रब से मांग लें, अपने रब को मनवा लें, और जितना उससे अपनी मगफ़रत की, तौबा की, गुनाहों की तौबा कर सकते हैं वो कर लें, क्योंकि ये जो अशरा है ये है ही मगफ़रत का अशरा, तौबा का अशरा है। और अपने गुनाहों से रब के हुजूर गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की तौबा और इस्तग़फ़ार करने का अशरा है। मुफ्ती तारिक़ अहमद नक्शबंदी साहब, आपकी तरफ भी आऊँगी। हम जैसे कि बात कर रहे थे, एक तो हमने ग़ज़वा बदर के हवाले से भी बात की है, और हमने आज खलीफा दोयम के हवाले से भी बात करी है। ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि किस तरह हमारे जो इस्लामी हुक्मरान थे वो कितनी सादगी और सादा पसंद थे, सादा लौह लोग थे, और आज के हुक्मरानों को हम देखते हैं तो उनको हम देख रहे हैं कि हर चीज़ उन्होंने, एक तो सबसे पहले तो वो उन्होंने अल्लाह की राह पर चलना छोड़ दिया है, दूसरा उन्होंने हर चीज़ को बालाए ताक रख दिया है, क्या सही है क्या गलत है किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। असल में आज हमारा जो टॉपिक है हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से, तो सब के लिए आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन एक जो है वो मॉडल मौजूद है, ख़ुसूसन हुक्मरान तबका, हम उनसे दस्त बस्ता गुजारिश करेंगे इस प्रोग्राम के तवसुत से खुदारा के अपनी दुनियाओं और आखिरत को बेहतर करना चाहते हैं तो हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज़ हुक्मरानी अपनाएं। हदीस पाक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलिन अन रईयतिही, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और हर एक से उसकी ज़िम्मेदारी के मुतालिक पूछा जाएगा। तो वो ये जो एहसास ज़िम्मेदारी है, ये हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हु के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक वस्फ़ था। उस एहसास ज़िम्मेदारी की वजह से आपके कपड़ों पर 14 पेवंद लगे हुए थे, यानी अपना हाल उन्होंने ये बना रखा था कि आप बग़ैर कपड़ा बिछाए ज़मीन पर लेट जाते और इसमें आप आर महसूस न करते, जो कुछ मैसर होता वो चीज़ आप खा लेते, इसमें आर महसूस न करते, आप लोगों के यानी रियाया तक आप वसाइल को पहुँचाते, और यहाँ क्या है कि जो चीज़ आए वो ख़ुद इस्तेमाल कर लो, अमानत का एक जो एहसास है वो हमारे दिलों से ख़त्म हो चुका है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग हम अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करें। आप जैसे अभी शिकायत कर रही थी कि रमज़ान मुबारक का अदब नज़र नहीं आ रहा, तो असल में हमारा इस्लाम तो वो है कि जो हमें ये तरबियत दे रहा है कि बचपन से लेकर यानी जो कब्र तक है, जब तक इंसान जो है वो लहद में उतारा जाता है तो इल्म सीखे। बचपन से लेकर हमें हुक्म दिया गया है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, 7 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसे नमाज की तरबियत दो, जब आप इस लायक उसको समझो कि वो रोज़े रखने के काबिल हो गया है तो आप उसकी रोज़े के हिसाब से तरबियत करो। तो बच्चा बचपन से लेकर उसके जहन के अंदर ये चीज़ डाल दी जाए कि रमज़ानुल मुबारक का तकद्दस क्या है, रमज़ानुल मुबारक किस चीज़ का नाम है, रमज़ानुल मुबारक मुसलमानों की इबादत का नाम है, ये कुरान की जो है कुरान करीम की तिलावत का महीना है, सुनने का महीना है, ये तकवा और परहेज़गारी का महीना है, ये अपने रब से मगफ़रत तलब करने का महीना है। तो यहाँ बचपन से लेकर जब यही चीज़ हम सब यानी एक मुआशरा इस तरह का किरदार जब अदा करेगा तो फिर जाके कोई काम बनेगा, वगरना जिस तरह ये अनारकी और अफरा तफरी फैली हुई है ऊपर से लेकर नीचे तक, हम सब लोग उसके ज़िम्मेदार हैं और हम सबको इस हदीस पाक के तहत अपने एहसास को जो है वो ज़िंदा करना है और फिर जाके हम वो सही मुसलमान जिस तरह हो सकते हैं वो हम कहला सकते हैं। मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बात आपने की, मैं चाहूँगी कि दुआ करा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाहा अलआलमीन, इलाहा अलआलमीन, इलाहा अलआलमीन, तेरी रहमत बहुत वसी है, ए अल्लाह हम गुनाहगार हैं स्याहकार हैं, जिस तरह रोज़ा रखने का हक है हम अदा नहीं कर पाते, ए अल्लाह जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में तेरी इबादत का हक है
हम अदा नहीं कर पाते। ऐ अल्लाह, हम लोग अपनी कोताहियों का शिकार हो चुके हैं। ऐ अल्लाह, अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की वजह से हमने अपने आप पर जुल्म किया। ऐ अल्लाह, मगर तू रहीम है, तेरी रहमत वसी है। ऐ अल्लाह, इफ्तार का वक़्त है और तेरे खुश नसीब बंदे मालिक मौला तेरी बारगाह में इल्तजाएँ कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, जिनको तू अपने फ़जल से मुआफ़ फरमाए। ऐ अल्लाह, जिनकी तू बख्शिश व मगफ़रत फरमाए। ऐ अल्लाह, जिनको तू इनाम याफ्ता बंदों में शुमार फरमाए। ऐ अल्लाह, अपने फ़जल से हमें भी शुमार फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी भी बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे अहल व अयाल की बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह, तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमा दे। जो मुसलमान मरहूमीन हैं मालिक मौला, उन सब की भी बख्शिश फरमा दे। इलाहा आलमीन, हम सबको आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। शैतान के शर से, मुनाफिकों के निफाक से, हासिदीन के हसद से हम सबको महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे टूटे फूटे आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमें आइंदा नेकी और परहेजगारी की सआदत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी जायज़ मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वाग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम। आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, हम सब की जो दुआएं हैं उनको कबूल फरमा। नाज़रीन, इसी के साथ जिस ट्रांसमिशन के अख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, ज़िंदगी रही तो कल एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी। और जाते जाते जी मेरे साथ मौजूद हैं नासिर अल्ताफ सुहरवर्दी, तो उनसे चाहूँगी कि दो अशआर हदिया नात पेश करने के साथ हासिल करें। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है हुब्बे बतूल का मेरे मुंह से आए। महक सदा मैं जो नाम लूँ तेरा, झूम के मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ। और हुआ कैसे, हुआ कैसे तन से वो सर जहाँ इश्क हो वहीं कैबला, मेरी बात उनकी ही बात है, मेरे सामने वही जात है, वही दिल को शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे, वही पुख्ता है मैं तो खाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। कुछ सामान